पुणे महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में जो घटना घटी है, जो वाकया पेश आया है, और उसके अलावा भी और मुकामात पर जिस तरह एक बहुत ही ऐतिहासिक और तारीखी मौके पर जमा होने वाले एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को जिस तरह ज़ख्मी किया गया है और एक की तो मौत की भी खबरें आई हैं, और जिस तरह उस पूरे प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश की गई है, ये एक बहुत निंदनीय वाक़या है, बहुत काबिल मज़म्मत है। ये इस बात का सबूत है कि वो जो एक जागरूकता और एक बेदारी मज़लूम तबके में फैल रही है, उससे वो ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं अपील करता हूँ कि तमाम मज़लूम लोग इकट्ठा होकर अपने प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक तरीके पर और पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके पर जारी रखेंगे। और दरअसल ये इस संघर्ष में आने वाले हालात, जिस किस्म के हालात आएंगे, ये दरअसल उसकी एक अलामत है। इससे न गुस्से में आना चाहिए और न भयभीत होना चाहिए, न खौफजदा होना चाहिए, बल्कि बराबरी के हासिल करने की जो लड़ाई चल रही है, उसको और ज़्यादा मजबूत इरादे के साथ हमको जारी रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम मज़लूम तबकात जितने हैं, जितने मज़लूम तबकात के लोग हैं, चाहे वो लोग हों जिनको अकलियतें कहा जाता है, और चाहे वो लोग हों जिनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग कहा जाता है, चाहे ओबीसी के हमारे भाई और बहन हों, सबको मिलकर इस संघर्ष को जारी रखना है, और इस मज़लूम तबके के अंदर आपस में फूट डालने की कोई कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है। मैं मराठा भाइयों बहनों से भी ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ कि वो मज़लूमों का के साथ खड़े हों और इस इत्तेहाद को मज़बूत करें। मैं तमाम मज़लूमों के लिए दुआ करता हूँ कि सबको इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।